गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि आपके चैनल का 100 सब्सक्रिप्शन प्लस हो चुका है। तो सभी लोग सब्सक्राइब करते जाइए और जहां भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, रिश्तों में गहराई उतनी ही अच्छी होती है जितने में इंसान को अपना स्वाभिमान नहीं खोना पड़े या स्वाभिमान गिरवी ना रखना पड़े। ठीक है दोस्तों, हम लोग टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है मेटल। और मेटल यूनिट में जब हम चल रहे हैं तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, इसमें हम प्यूरिफिकेशन पढ़ चुके हैं। तो उससे आगे हम लोग चलते हैं कि आखिर मेटल जब हम प्यूरिफिकेशन पढ़े, प्यूरिफिकेशन का और भी कई सारा मेथड है और उसमें मेटल को जब हम किसी और क्या कहते हैं तरफ बनवाना चाहते हैं, उसके गुण में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसका कोई चीज निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। हम प्रॉपर्टीज में दोस्तों पढ़े थे कि किसी भी मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है यह प्रॉपर्टी नहीं बदलता है, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यह बदलता है। जब हम किसी में कोई चीज नया निर्माण करना चाहते हैं, उसमें कुछ गुण लाना चाहते हैं, तो किस कौन सा गुण बदलेगा, तो वह मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी करने के लिए, उसमें गुण लाने के लिए, उसको बदलने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम फर्नेस कहते हैं। फर्नेस आप लोग जानते होइएगा, फर्नेस को हम कहते हैं भट्टी अर्थात चिमनी समझते होइएगा। तो हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग का जो अभी का टॉपिक है इस क्लास का, वह है फर्नेस अर्थात भट्टी। ठीक है, अब भट्टी कई तरह के होते हैं, कार्य के अनुसार सभी भट्टी के अलग अलग कार्य हैं, जरूरत के अनुसार हम अलग अलग भट्टी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी जो अशुद्ध लोहा है उसमें से अशुद्धियों को छाटने का काम करते हैं, उसके बाद ही हम कोई काम और कर सकते हैं उसके द्वारा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको किसी न किसी भट्टी का उपयोग करना पड़ेगा। हम पढ़े थे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, उसमें पढ़े थे बायस्मेल्टिंग मेथड। बायस्मेल्टिंग मेथड मेथड में हम चर्चा किए थे कि लास्ट में हम क्या करते हैं कि किसी भी जो अशुद्ध रहता है अर्थात आयरन ओर रहता है उसमें से अशुद्धियों को निकालने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्नेस में, वह पढ़ने जा रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस। तो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में चर्चा कर रहे थे। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, जिस भट्टी में ब्लास्ट होता है उसे हम ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। अर्थात इस फर्नेस का कुछ विशेष गुण है। विशेष गुण क्या है कि जब इसमें हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को निकालते हैं अर्थात उसमें से क्या करते हैं, शुद्ध मेटल को प्राप्त करते हैं, तो उसके दौरान जो क्रिया होता है उसमें क्या होता है कि यह आवाज करता है, ब्लास्ट करता है, जिसके कारण इसका नाम रखा गया क्या, ब्लास्ट फर्नेस। अब इसका एग्जांपल हम बताते हैं क्यों ब्लास्ट करता है। आप कोई गर्म तेल है, उस गर्म तेल का कोई कराही है, उसमें गर्म तेल है, अगर उसमें से आप पानी डालते हैं या कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं तो देखते हुएगा कि सीधा में एकाएक आवाज होता है। ठीक है, तो वह आवाज इसीलिए होता है कि एकाएक गर्म हो अर्थात गर्म कोई तेलीय पदार्थ है, उसमें कोई ठंडी वस्तु अगर पड़ता है तो क्या होता है, उसमें जो अशुद्धियां होता है वह ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो ठीक वही प्रभाव यहां पर भी होता है, ब्लास्ट फर्नेस में भी वही प्रभाव होता है। तो हम इसका निर्माण करते हैं क्या चीज के लिए, तो पिग आयरन के लिए। लेकिन यह पिग आयरन कैसे बनेगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, यह भट्टी क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। तो भट्टी यह क्या है, एक प्रकार का चिमनी है। भट्टी जो है वह क्या है, एक प्रकार का चिमनी है, जिस चिमनी को आप लोग देखते होइएगा। अब इस चिमनी में होता क्या है, कुछ विशेष चीज है। इस चिमनी में सबसे ऊपर एक कोन एंड कप सिस्टम होता है, कोन या कप सिस्टम। ठीक है, यह कोन एंड कप सिस्टम का काम क्या है, कोन एंड कप सिस्टम का काम है कि इसके द्वारा सभी पदार्थों को डालना, जैसे हम जिसको साफ करना है अशुद्धियों को, तो किसको साफ करना है,
अयस्क को, तो अयस्क को इसमें डालेंगे कि नहीं, आयरन ओर को इसमें डालेंगे कि नहीं, तो आयरन ओर इसमें डलाएगा, इसके बाद क्या डलाएगा, तो कोयला कोक डलाएगा इसमें, ठीक है कोक डलाएगा अर्थात कोयला, इसके बाद क्या डलाएगा, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर का काम क्या होता है कोयले का, कोयले का काम होता है इसमें कार्बन की मात्रा को जरूरत के अनुसार बढ़ाना, और चूना पत्थर का काम होता है गंदगी को काटना, ठीक है। तो इसमें से आयरन ओर में से क्या करता है, ये दोनों गंदगी को हटाने का काम करता है। तो ये कहां से डाला जाता है, कोन और कप के माध्यम से ऊपर से डाला जाता है, सबसे नीचे का जो परत होता है इसमें ईंधन रखा जाता है, कोयला रखा जाता है, और इसके ऊपर जहां तक हमको इसमें डालना पड़ता है ये सारा सामग्री, उसके ऊपर क्या लगा होता है, दो नल लगे होते हैं, दो नल लगे होते हैं, जिस नल में एक नल जो नीचे से होता है जिसके माध्यम से पिघली हुई धातु निकलती है, और एक नल इसके थोड़ा ऊपर होता है जहां पर से झाग निकलता है, जो यह नीचे आता है सारा मटेरियल, और जब इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने पर हम जानते हैं कि मेटल में फ्यूजिबिलिटी का गुण होता है, वह पिघलता है, और जो ही वह पिघलेगा तो क्या होगा, द्रव्य के पदार्थ बन जाएगा, और द्रव्य पदार्थ जब बनेगा तो क्या होगा, वह नीचे में बैठ जाएगा, और उसका जो झाग बनेगा अर्थात जो गंदगी होगा वह झाग के रूप में ऊपर तैरने लगता है। जो ही यह झाग के रूप में तैरने लगता है तो उसको निकालने के लिए ऊपर से एक सिस्टम दिया हुआ, एक रास्ता दिया हुआ है, ठीक है। उसके माध्यम से उस गंदगी को हम क्या करते हैं कि हटा देते हैं बाहर की तरफ, तो नीचे जो बच जाता है वो मेरा शुद्ध लोहा बच जाता है। तो और इसके ऊपर, इस दोनों नाली के ऊपर क्या लगा होता है, दोनों रास्ते के ऊपर एक और पाइप लगा होता है, एक और रास्ता होता है, जिसको हम ट्यूयर्स की कहते हैं, जिसको हम ट्यूयर्स कहते हैं। ट्यूयर्स का काम क्या है, ट्यूयर्स का काम है गर्म हवा का सप्लाई करना। कितना गर्म हवा यह डालता है, तो 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस तक यह गर्म हवा को इसमें प्रवाहित करता है। क्यों करता है, इसलिए करता है ताकि इसके अंदर क्या हो, जो ईंधन है वह आसानी से जले। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को जलाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, हीट फ्यूल एंड ऑक्सीजन, अर्थात उष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन, हवा, समझ रहे हैं तीनों चीज को। तो यह तीनों चीज जो है जब तक नहीं होगा तब तक आग नहीं लग सकता है। तो आग यहां तो लगाना है ना अंदर में, जब तक आग लगेगा नहीं तब तक तो क्या होगा, हीट कैसे होगा। तो इसके लिए यहां पर हमको बाकी चीज तो अंदर में है, ईंधन तो मेरे पास है और उष्मा भी है, लेकिन अब इसमें करना क्या है, हमको ऑक्सीजन डालना है, वो भी कौन, गर्म, ताकि वह क्या हो, आसानी से उसको जला दे। तो यहां पर जब हम 700 से 800 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा को डालते हैं तो वह क्या करता है, इसको आसानी से जला देता है, गला देता है, तेजी से यह गल जाता है, और इसका जो पूरा अशुद्धियां रहता है वह क्या होता है, ऊपर में तैरने लगता है, अर्थात नीचे से साफ हो जाता है। अब क्या होता है कि जब यह नीचे जम जाता है, क्या जो पिघला हुआ द्रव्य पदार्थ है मेटल का वह, तो पहले ऊपर से झाग को निकाला जाता है, ठीक है। जब उसको झाग को ऊपर से निकाला जाता है उसके बाद नीचे बच गया, अब इसको रास्ते के द्वारा इस पिघली हुई, किसको, पिघली हुई जो द्रव्य पदार्थ है मेटल के, उसे एक साचा में डाला जाता है, जिस साचा में अर्थात उसको जिस आकृति में हमको बनाना होता है उस आकृति में, उस साचा में हम क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। जो ही ये साचा में डाल देते हैं तो वह क्या होता है, धीरे 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 जो ही वह ठंडा होगा तो वह जल जाएगा, क्या होगा, जम जाएगा। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, यह मेरा ब्लास्ट फर्नेस का काम हो गया। क्यों, क्योंकि हम इससे जो ज्यादा अशुद्धियां था उसको हम निकाल चुके हैं, तो इसके माध्यम से हम क्या किए, अशुद्धियों को साफ किए। बाय स्मेल्टिंग मेथड में भी हम बताए थे लेकिन डिटेल में नहीं बताए थे। अब बात यह आता है, इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह होता है कि ब्लास्ट फर्नेस में जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम ये क्रिया करते हैं, तो उसके दौरान कितना तापमान होना चाहिए, कितना तापमान पर यह कार्य करता है। तो यह हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई फाइनल पूछ दे आपके एग्जाम में हो,
तो आपको याद रखना है 1050 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर अप्रोक्स में हो तो आपको 950 से 1100 डिग्री सेल्सियस या 1150 डिग्री सेल्सियस का ऑप्शन भी देता है, ठीक है, इस चीज को आपको कवर करना है। लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछे तो 1050 डिग्री सेल्सियस हमको बताना है, ठीक है। तो इस तापमान पर ही हम ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब बनकर यह तैयार हुआ तो यह मेटल क्या कहलाया और उस मेटल का क्या नाम होता है, उस मेटल का उपयोग कहां होता है, हमको इसके बारे में क्या करना है, जानना है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कि इससे जो बनकर तैयार हुआ वह क्या तैयार हुआ। देखिए दोस्तों, हम क्या बताएं कि इस फर्नेस में जब क्रिया होता है तो काफी सारा क्या होता है, ब्लास्ट होता है, अर्थात आवाज होता है। तो होता क्या है, आप जानते हैं यहां पर क्या हो रहा है, गंदगी को निकालने का काम हो रहा है। जहां पर गंदगी फैला होता है वहां पर कौन जाता है जानते हैं, वहां पर सुअर जाता है। क्यों, उस गंदगी को खाने के लिए, सुअर क्योंकि गंदगी खाता है, ठीक है। तो इस भट्टी में जब होता है अगल बगल पूरा गंदगी रहता है तो सुअर वहां पर खाने के लिए जाता है। जो ये खाने के लिए जाता है उसी टाइम यह भट्टी चालू रहता है। अब भट्टी चालू है तो हम जानते हैं कि यह क्या होता है, ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होगा आपके घर के आसपास, अगर लगे कि कोई बम विस्फोट हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, आप घर से निकल के भागिएगा या घर में बैठे रहिएगा, बिल्कुल भागने की कोशिश कीजिएगा। आप भागिएगा, देखिएगा कि कहीं मेरे आसपास तो कुछ ब्लास्ट नहीं कर रहा है, मेरे घर में तो ब्लास्ट नहीं हो रहा है, तो आप उससे दूर भागने की कोशिश कीजिएगा। तो वही काम क्या करता है, सुअर भी तो वही करता है, वह भी तो एक जीव है, वह उसको भी तो अपना जान उतना ही प्यारा है जितना कि आपको प्यारा है, तो वह भी भागने की कोशिश करता है, भागता है, ठीक है। क्यों भागता है, इसलिए कि वह ब्लास्ट करता है। भागता कौन है, सुअर। सुअर को कहते क्या है, पिग। सुअर को क्या कहते हैं, पिग। अर्थात ब्लास्ट फर्नेस से जो मेटल बनकर तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। ये बस हमेशा याद रखना है आपको, सुअर को याद रखना है, इसका रिजल्ट आपके खुद दिमाग में आ जाएगा कि क्या बनकर तैयार होता है, क्या बनकर तैयार होता है, तो पिग आयरन बनकर तैयार होता है। अब बात यह होता है कि पिग आयरन जब बनकर तैयार होता है तो इसका उपयोग कहां होगा, किस किस काम में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें कौन सी मात्रा में क्या पाया जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पिग आयरन जो होता है वह सबसे घटिया किस्म का लोहा होता है, सबसे घटिया किस्म का लोहा होता है, सबसे लो क्वालिटी का होता है। यही कारण है कि इसका सीधे सीधे किसी भी मशीन का पार्ट्स बनाना हो या कोई भी पार्ट्स बनाना हो या कोई भी काम हो तो डायरेक्ट रूप से पिग आयरन का इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें फिर भी बहुत सारी अशुद्धियां रह जाती है। तो इसमें देखना है, देखना यह है कि कितना परसेंट क्या है, तो 93% जो होता है यह इसमें शुद्ध लोहा होता है। 93% क्या होता है, शुद्ध लोहा होता है। अब 4 से 6% क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। अब 4 से 6% क्या होगा, कार्बन की मात्रा। अब बाकी जो भाग बच गया वह भाग सिलिकॉन होता है, मैग्नीज होता है, फास्फोरस होता है, ये सारी अशुद्धियां इसमें क्या होता है, मिली हुई होती है, जिसके कारण इसका हम कहीं भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। क्यों, जो कि सिलिकॉन मैग्नीज फास्फोरस सब अगर मिक्स हो तो काफी सारी अशुद्धियां हो जाता है, जिसके कारण उसका कोई भी उपयोग ही नहीं हो सकता है। साथ में 4 से 6% क्या है, कार्बन है। हम जानते हैं कि कार्बन की मात्रा जितनी मेटल में होगी वह उतना ही क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन का क्या काम है, कार्बन का काम है उसके हार्डनेस को बढ़ाना, और उसके जो ही हार्डनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्रिटलनेस का गुण बढ़ जाएगा। तो इसमें एक और भी बड़ा गुण होता है पिग आयरन में, कि इसमें बहुत ज्यादा ब्रिटलनेस पाया जाता है, जिसके कारण इसका कहीं भी इस्तेमाल हम नहीं करते, ठीक है।
तो ये था मेरा ब्लास्ट फर्नेस का रिजल्ट कि ब्लास्ट फर्नेस से बनकर क्या तैयार होता है, तो पिग आयरन। और पिग आयरन का इस्तेमाल कहां होता है, तो अब इस्तेमाल होता है इसका जब आपको कास्ट आयरन बनाना है। कास्ट आयरन बनाना है तो उसके लिए हम किस अयस्क का इस्तेमाल करेंगे, क्या डायरेक्ट आयरन ओर का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, आयरन ओर का इस्तेमाल हम बनाने के लिए क्या करते हैं, तो पिग आयरन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी आयरन ओर का हम डायरेक्ट सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। किसी भी कोई भी आयरन ओर हो, कोई भी अयस्क हो लोहे का, उसको सबसे पहले हम ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं और सबसे पहले उससे हम पिग आयरन ही तैयार करते हैं। अब पिग आयरन तैयार करने के बाद ही आपको जो भी मेटल तैयार करना है वो तैयार कर सकते हैं, लेकिन पिग आयरन बनाने से पहले कोई भी मेटल तैयार नहीं होता है, इस चीज का हमेशा याद रखना है। डायरेक्ट बिना ब्लास्ट फर्नेस में डाले हुए, बिना पिग आयरन तैयार किए हुए कोई भी आयरन ओर को किसी दूसरे फर्नेस में नहीं डाला जाता है, इस चीज का हमेशा याद रखना है। तो हमको इसे किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कास्ट आयरन को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्या चीज, रॉट आयरन को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अर्थात ये सब पदार्थ जब हमको बनाना होता है, उस चीज को बनाने के लिए हम पिग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यह भी क्या है, मेटल है, ना कि कोई पार्ट्स है। कोई भी पार्ट्स बनाने के लिए हम पिग आयरन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सिर्फ मेटल को बनाने के लिए तैयार करेंगे। अब यह मेटल जब बना के तैयार कर लेंगे तो इस मेटल के अनुसार, जरूरत के अनुसार हम इस मेटल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा क्या, ब्लास्ट फर्नेस। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।